शामली में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर एक यात्रा निकाली गई। पश्चिम प्रदेश निर्माण जन यात्रा के स्वागत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में खाप चौधरियों ने भी भाग लिया और इस जन यात्रा को पुरजोर समर्थन दिए जाने की बात कही। शहर के मोहल्ला टीचर्स कॉलोनी स्थित भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निर्वाल खाप के बाबा राजवीर सिंह मुडेत के आवास पर पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर निकाली जा रही जन यात्रा के समर्थन के लिए एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के पदाधिकारी एवं खाप चौधरियों ने भाग लिया। खाप चौधरियों ने इस जन यात्रा का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक बड़ा राज्य है, जिसके चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश विकास का वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है जो कि वास्तविक रूप से उसे मिलना चाहिए। खाप चौधरियों ने छोटे प्रदेश के फायदे गिनाते हुए कहा कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाएगा तो लोगों को चिकित्सा और न्यायिक व्यवस्था जैसे काम सुलभ हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में न्यायिक प्रक्रिया के तहत लोगों को कई 100 किलोमीटर दूर प्रयागराज जाकर धक्के खाने पड़ते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ अत्यधिक दूर होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। खाप चौधरियों ने बताया कि 9 दिसंबर को पश्चिमी प्रदेश निर्माण जन यात्रा शामली गुरुद्वारा तिराहे पर पहुंचेगी, जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन कैराना लोकसभा सांसद प्रदीप चौधरी को सौंपा जाएगा, जिसके बाद इस यात्रा में गाँव कसेरवा स्थित एक स्कूल में आयोजित सभा के दौरान लोगों को छोटे राज्य के फायदे गिनाए जाएंगे। चौधरी राजवीर सिंह मुडेट, अच्छा जो आज आज संरक्षक पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, अच्छा जो आज सभा कर रहे हैं आप, क्या प्रक्रिया है इसकी? क्या प्रक्रिया ये है कि राष्ट्र हित में छोटे प्रदेश लाभदायक है। देश आजाद होने के बाद जितने नव छोटे प्रदेश बने वो सब खुशहाल हैं और वहाँ का नागरिक भी खुशहाल है। जो बड़े प्रदेश हैं वहाँ लोकतंत्र आ नहीं पाया। बड़े प्रदेश हैं, प्रदेश के मुखिया को ज्ञान ही नहीं होता कौन अधिकारी है, कौन कर्मचारी, कौन क्या है। तो हम भी चाह रहे हैं कि राष्ट्र हित में उत्तर प्रदेश के बंटवारे हो गए और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी 27 जिलों का एक अलग प्रदेश बन जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश। अच्छा, जो प्रदेश निर्माण जन यात्रा है कहाँ से चलेगी और कहाँ तक जाएगी? देखिए, हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल सिंह यादव और राष्ट्रीय महासचिव हैं कर्नल सुधीर चौधरी जी, उन्होंने रूपरेखा बनाई है। तो सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करके वो लोग इस यात्रा को 9 दिसंबर से जनपद सहारनपुर से निकाल रहे हैं। ये यात्रा 10 दिसंबर में शामली पहुंचेगी, जहां इस जनपद के इस संगठन के जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह देशवाल और जिला संरक्षक राजेंद्र सिंह विदुर जी और प्रमुख सहयोगी डॉक्टर जसवीर सिंह आर्य और सतवीर सिंह ठेकेदार जी के द्वारा इनकी पूरी टीम अपने सैकड़ों साथियों के साथ इस यात्रा का स्वागत गुरुद्वारा शामली में करेगी। वहाँ से यात्रा का लक्ष्य ये है कि हमारे 27 सांसद बैठे हैं इस क्षेत्र के, कि 27 सांसदों को हम ज्ञापन देंगे जिससे कि वो लोकसभा में ये मुद्दा प्रमुखता से उठा लें, हमारा प्रदेश बन सके। उसके बाद हम जाएंगे सांसद ज्ञापन देने और उसके बाद जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह जी के विद्यालय में ये यात्रा सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। क्या नाम है जी? राजेंद्र सिंह मिदुर। अच्छा, जो ये प्रदेश निर्माण यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है छोटे जो प्रदेश है उनका विकास और तरक्की सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि भारत में जितने भी प्रदेश छोटे बने, जैसा हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, उत्तराखंड और भी जिले, उनका विकास बेमुकाबले उनके बहुत ही अच्छा रहा, खुशहाल। आज वहाँ की जनता खुशहाल है और सीधा संपर्क में कोई दिक्कत हो तो ऊपर मुख्यमंत्री वगैरह जो भी अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क में आने से वो समस्या हल हो जाती है। अच्छा, प्रदेश का वो जो है उसमें विभाजन चाह रहे आप? हाँ, मेन उद्देश्य है आपका? मेन उद्देश्य हमारा है कि 27 जिले, हम ये मान के चल रहे हैं कि पश्चिम में हमारे जो पश्चिमी सूबा बनाने के लिए हमने मांग करी उसमें 27 जिले आते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि 27 जिले पूरे भारत में, जैसे हरियाणा पंजाब विकास हो, पूरे भारत में सबसे ऊपर स्टेट और विकास में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप
और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।